तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप माइनक्राफ्ट के अंदर एक ऑटो स्मेल्टर कैसे बना सकते हो। और यार ये लिटरली कुछ ही सेकंड्स में आपको जो है बहुत ही ज़्यादा आइटम्स स्मेल्ट करके देने वाला है। ये देखो भाई साहब, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइटम्स स्मेल्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले जो है आपको मैं जो है सामान दिखा देता हूँ यार, एक्चुअली कौन कौन सा सामान चाहिए होगा आपको बनाने के लिए। लेट्स गो, ये इतना सामान चाहिए होगा, देख लो भाई आपकी स्क्रीन पे इतना सामान जो है आपको चाहिए होगा। सो गाइस, सबसे पहले ना आपको जो है पहले चेस्ट लेके आ जानी है, एंड चेस्ट को जो आपको जो है यहाँ से डबल चेस्ट इस टाइप से यहाँ पे रख देनी है। ओके, सो यहाँ से चेस्ट के ऊपर से आपको जो यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे जो हॉपर्स कनेक्ट कर देने दो, एंड देन आपको क्या करना है 1, 2, 3 हॉपर्स कुछ इस साइड पे कनेक्ट करने, एंड देन आपको जो यहाँ पे 1, 2 एंड ये थर्ड हॉपर कुछ इस टाइप से कनेक्ट करना है। एंड आई गेस अगर आपको जो है छोटा बनाना है तो आप छोटा भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे जो इसकी साइज रिड्यूस कर देता हूँ, मुझे ऐसे ही पसंद है ये। सो आप चाहे तो इससे जो और भी बड़ा बना सकते हो, मैंने अभी ये छोटा बनाया। देन आपको यहाँ पे जो ये फर्नेस लगा देने कुछ इस टाइप से, याद रहे भाई सब क्राउच होके लगाना फर्नेस, तभी यहाँ पे लगने वाले हैं। सो ये कुछ इस टाइप का आपको जो दिखने वाला है, एंड ये एक्चुअल में कलेक्टिंग सिस्टम जो बन के रेडी हो चुका है। देन आपको क्या करना है इन फर्नेस के ऊपर जो यहाँ पे कुछ इस टाइप से जो हॉपर्स लगा देने को, लेट्स को भाई सब, ये हॉपर्स भी यहाँ पे लग चुके हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रेल लेके आ जानी, एंड रेल भी आपको भाई से यहाँ पे क्राउच होके लगानी। देखो मैं यहाँ पे जो क्राउच छोड़ के यहाँ पे लगाता हूँ तो क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये जो हॉपर्स खुल जाता है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे जो है क्राउच होके ये लगाता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पे क्राउच होके लगाया है। सो यार यहाँ पे जो है रेल लग जाइए, और यहाँ पे मैं जो स्टोन ब्रिक का यूज़ कर रहा हूँ, आप जो है कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक का यहाँ पे जो यूज़ कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है भाई सब, जो भी आपको यूज़ करना है वो यूज़ करना है, ठीक है। सो यहाँ पे जो मैं इस टाइप से यहाँ पे जो है स्टोन ब्रिक लगा देता हूँ, एंड ये वाला मैं निकाल देता हूँ, ये टेम्परेरी था। देन यहाँ पे कुछ पावर ड्रिल ऐसे और एक लीवर यहाँ पे, एंड लीवर को मैं ऑन कर देता हूँ। सेम हमें जो है दूसरी साइड पे भी करना है। यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक अपने स्टोन ब्रिक, एंड देन यहाँ पे मैं लगाऊंगा और एक स्टोन ब्रिक, इसको मैं यहाँ से इस टाइप से करूँगा, एंड इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। और यहाँ पे आएगी हमारी पावर ड्रिल, एंड इसके ऊपर मैं लीवर लगा के लीवर को ऑन कर दूंगा, ठीक है। सो गाइस, अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो है हॉपर्स लेके कुछ इस टाइप से यहाँ पे कनेक्ट करना है। आप देख रहे हो यहाँ पे मैं किस टाइप से यहाँ पे हॉपर्स कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ यार, सो यार सेम आपको जो इस टाइप से हॉपर कनेक्ट करना है, एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है एक ब्लॉक लेना है, यहाँ पे दो ब्लॉक लेने हैं, एंड देन इसके ऊपर एक ब्लॉक ऐसे रखना है, टेम्प्रेरी ब्लॉक निकाल देना है। देन आपको जो यहाँ पे पावर ड्रिल, अरे ये गलत लगी, श्योर सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है रेल्स लगा लेता हूँ, देन उसके ऊपर जो मैं यहाँ पे पावर ड्रिल जो है लगा पाऊँगा। एंड ये हमारी यहाँ पे रेल्स भी लग चुकी है। अब मैं देखता हूँ भाई सब, पावर ड्रिल मैं यहाँ पे लगा दी, देखो। सो यहाँ पे जो सिंपली वही सिस्टम आपको रिपीट करना है, यहाँ पे भी एक लीवर लगा देना, देन आपको नीचे आ जाना है, एंड इसके बाद यहाँ पे जो है स्टोन ब्रिक कुछ ऐसे लगाना है, एंड यहाँ पे जो है आपको कुछ इस टाइप से टेम्परेरी ब्लॉक निकाल देना है। देन वापस यार वही पावर ड्रिल इधर लगेगी, लीवर लगेगा, एंड लीवर को जो मैं ऑन कर देता हूँ। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मिडल के दो, ये देखो मैंने चेस्ट यहाँ पे लगाई है, और यहाँ से जो मैं और ऊपर की तरफ दो चेस्ट लगाने वाला हूँ कुछ इस टाइप से, एंड यहाँ पे सेम पीछे की साइड भी दो चेस्ट कुछ इस टाइप से। सो यार यहाँ पे हमारा जो फार्म, यहाँ पे ऑटो स्मेल्टर जो है ये बन के एकदम रेडी हो चुका है। हमें अभी क्या करना है, यहाँ पे जो इस वाली चेस्ट में यहाँ पे हमें जो है जो भी चीज़ स्मेल्ट करनी है वो इस वाली चेस्ट में डालनी है। एंड जो पीछे वाली चेस्ट थी, ये वाली चेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे इस वाली चेस्ट में जो है हमें यहाँ पे जो हमारा फ्यूल डालना है जो कि हम लेके आने वाले हैं। फिर हमें बार बार जो है यहाँ पे फ्यूल और ये सब डालना आना पड़े, हमें एक ही बार में जो है स्मेल्ट होके मिल जाए। सो अभी मैं इसको वर्क करने की ट्राई करता हूँ, देखते हैं वर्क होता है कि नहीं। यहाँ से मैं भाई साहब ये प्लेस कर दो भाई, ये देखो ये हमारी माइनक्राफ्ट जो है वर्क करना चालू कर दिया है। और यार भाई साहब ये देखो हमारे जो है तीन फर्नेस तो काम भी, ओ भाई सारे के सारे फर्नेस जो है यहाँ पे, ये देखो इसमें जो है यहाँ पे फ्यूल आ चुका है, पॉक चॉप आ चुका है एकदम सही तरीके से, यहाँ पे जो है कुक भी हो रहा है। आई थिंक भाई साहब इसमें जो है धीरे से, ये देखो कोल आ चुका है, लेकिन वो नहीं आया भाई, क्या बोलते हैं पॉक चॉप, सर वो भी आ जाएगा धीरे धीरे। यहाँ से ये देखो ये पॉक चॉप निकल रहा है, एंड यार यहाँ से ये देखो ये कोल भी यहाँ से जा रहा है भाई साहब। मैं आपको दिखा दूँ, मुझे यहाँ पे जो कुक्ड पॉक चॉप मिलना भी चालू हो चुका है। सर हमारे ये वाला फार्म जो है कंप्लीटली वर्किंग है। सर इस वाली वीडियो में बस इतना, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल भी नो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।